हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल, लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं फूड। ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? फूड, खाना। चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, सबके लिए, सबके सर्वाइवल के लिए सबको क्या इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? फूड, खाना। अभी जो फूड होता है ना, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी में, बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग, मीट, फिश, ब्रेड, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, बहुत सारी वैरायटी में, बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है। और हर ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? फूड। लेकिन ये फूड उनको मिलता कैसे है? जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए? प्लांट्स और एनिमल्स पे। और एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से या फिर अदर एनिमल्स से। और प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन फूड से हमें क्या मिलता है? फूड से हमें मिलती है एनर्जी, इट प्रोवाइड अस एनर्जी। तो हमें एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम अपनी डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं, काम है, वो कर पाते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हम हेल्दी रहते हैं, हमारे जो डैमेज सेल्स होते हैं उन्हें रिपेयर करते हैं। तो वो हमें कैसे मिलता है? फूड से, क्योंकि फूड से मिलती है हमें एनर्जी जिसकी वजह से हम अपना काम कर पाते हैं और हमारी ग्रोथ होती है और हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन फूड के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, देखते हैं आगे। वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड से हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमें एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम अपना काम कर पाते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हम हेल्दी रहते हैं, हम अपने डैमेज सेल्स रिपेयर करते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलते हैं फूड से। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फूड हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स में, बहुत सारी वैरायटी में अवेलेबल है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है फूड की, तो किसी में से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, किसी में से प्रोटीन्स मिलते हैं, किसी में से फैट्स, किसी में से विटामिंस एंड मिनरल्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं फूड से जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है अपना काम करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे हम की जिसकी वजह से हेल्दी रह सके। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देख लिया, अब आगे देखते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब हमने देख लिया कि हर ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है उसके सर्वाइवल के लिए, फूड। और फूड उसे मिलता कहाँ से है? प्लांट से मिलता है। अब फूड जो, लेकिन उसे मिल तो जाता है, तो जो उस प्रोसेस होता है, अब फूड मिल गया तो उस फूड को लेना और उसे यूटिलाइज करना, उसकी जो बॉडी है जब उसे यूटिलाइज करती है, उस प्रोसेस को, उस मोड को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। इस न्यूट्रिशन के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में, सेवन्थ क्लास में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर ही आपका न्यूट्रिशन पे होगा, बट फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बताती हूँ कि न्यूट्रिशन होता है क्या, कि मोड होता है जिससे कि हम खाना लेते हैं, हमारी बॉडी जो है उसे यूटिलाइज करती है, उस प्रोसेस को, उस मोड को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये जो न्यूट्रिशन है ना, ये दो तरह के होते हैं, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। डिटेल में तो आप नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ऑटोट्रॉप्स में, अभी जो है ऑटोट्रॉप्स, जैसे ऑटो में, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो अपना खाना खुद कौन बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स। अब हेटरोट्रॉप्स में हेटरो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। हेटरो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, हम क्या हो गए? हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या हुए? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स। और हेटरोट्रॉप्स क्या हुए? जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, खुद नहीं बना सकते वो अपना खाना, जैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। तो अब हमने देख लिया न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, आगे हम देखते हैं फूड वैरायटी के बारे में। नेक्स्ट इज फूड वैरायटी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फूड जो है बहुत सारी फॉर्म्स में, बहुत सारी वैरायटीज में अवेलेबल है, तो इसलिए फूड को जो है फाइव मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो जितने भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि स्पिनच, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर, बनाना, एप्पल, मैंगो, रेडिश, कुकम्बर, ये सब क्या हो गए? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सेकेंड होते हैं स्टार्च, मतलब जिनके अंदर, जिन फूड्स के अंदर स्टार्च होता है, जैसे कि ब्रेड, पोटैटो, कॉर्न्स, ये क्या होते हैं? स्टार्च कंटेनिंग फूड्स। फिर आते हैं डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क आ गया, चीज, बटर, पनीर, ये सब क्या होते हैं? मिल्क से बनते हैं, तो ये क्या हो गए? मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। फिर आते हैं एग, मीट एंड फिश, ये क्या होते हैं? सबसे हाई प्रोटीन डाइट होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? एग, मीट और फिश से।
लास्ट इज फूड कंटेनिंग फैट एंड शुगर, जिन फूड के अंदर फैट और शुगर होता है, जैसे कि ऑयल, घी, जैम, डेजर्ट, ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर होता है शुगर एंड फैट। तो इसलिए फूड को जो है, फूड की इतनी सारी फॉर्म्स को जो है उसको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो फूड की जो है हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स, बहुत सारी वैराइटीज अवेलेबल होते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं कि आज सुबह आप तुम क्या खा के आए हो या क्या लेके आए हो, तो आप देख सकते हैं कोई परांठा लेके आया होगा, कोई आलू पूड़ी लेके आया, कोई इडली सांभर लेके आया होगा, कोई राजमा राइस लेके आया होगा। तो फूड जो है हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स और बहुत सारी वैराइटीज में अवेलेबल है। इवन जो हमारे स्टेट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड खाते हैं। अब हमारा इंडिया इतना बड़ा है तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जो है अलग अलग वैरायटी के फूड खाते हैं। जैसे कि अगर आप साउथ साइड जाएंगे तो वहाँ पे आपको इडली सांभर, वड़ा सांभर मिलेगा। नॉर्थ साइड छोले भटूरे, परांठे, ये सब खाते हैं। बिहार में लिट्टी चोखा। तो हर स्टेट वाइज भी बहुत डिफरेंट तरह के फूड्स और बहुत सारे फूड की वैरायटीज अवेलेबल होती हैं। तो फूड वैरायटी के बारे में देख लिया, अब आगे हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में, फूड एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। अब फूड हमें पता है लेकिन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? फूड आइटम्स विच वी ईट इज मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। अब फूड आइटम जो हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जैसे कि हम आलू पूड़ी की बात करें या सब्जी रोटी की बात करें या परांठे की बात करें, जो फूड आइटम्स हम खाते हैं ये किसके बने होते हैं? जब इंग्रेडिएंट्स को हम मिलाते हैं, मतलब हम डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को जब मिलाते हैं तब ये फूड आइटम्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉयल्ड राइस, बॉयल्ड राइस हम खाते हैं। तो बॉयल्ड राइस कैसे बनती है? जब हम राइस और वाटर को मिलाते हैं। तो राइस और वाटर क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स हो गए। मतलब जब दो चीज़ों को हम मिलाते हैं तब हमारा फूड आइटम बनता है ना। तो राइस और वाटर क्या हो गए यहाँ पे? इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे वेजिटेबल करी, तो वेजिटेबल करी कैसे बनती है? जब वेजिटेबल सॉल्ट प्लस स्पाइसेस प्लस ऑयल एंड वाटर को हम मिलाते हैं। स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले। तो वेजिटेबल डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, ऑयल डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो हमारी वेजिटेबल करी बनती है। तो ये सब क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स हो गए। वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स। तो जब हम इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं तब हमारा फूड आइटम, हमारा खाना बनता है। एक और एग्जांपल देखते हैं पल्सेस का। पल्सेस क्या होते हैं? दाल, दाल प्लस सॉल्ट प्लस स्पाइसेस प्लस ऑयल एंड वाटर। तो ये हो गए इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स को जब हम मिलाते हैं तब हमारी फूड आइटम बनते हैं। अब आगे हम देखते हैं हमारा फूड के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। लास्ट इज फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब ये जो फूड है, इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, ये मिलता कहाँ से है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। तो मेन सोर्सेज क्या होते हैं फूड के? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फूड कहाँ से आता है? प्लांट से और एनिमल से। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट से क्या क्या मिलता है और एनिमल से क्या क्या मिलता है। फ्रॉम प्लांट्स वी गेट, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? फूड ग्रेन्स, जैसे कि वीट, राइस, मिल्स। मतलब आपने देखी भी होंगे बहुत सारी पैड़ी की, पैड़ी फील्ड्स, वीट फील्ड्स होती है ना, प्लांट्स बिल्कुल रोज में लगे होते हैं। पैड़ी फील्ड्स और वीट फील्ड्स की अगर आपने कभी देखी हो तो बिल्कुल रोज में प्लांट्स लगे होते हैं। तो वहां से हमें मिलता है वीट, राइस एंड मेज, ये हमें प्लांट से मिलता है। पल्सेस, दाल होगी सारी, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स, स्पाइसेस, मसाले, टी, कॉफी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं, जो हमें मिलते हैं प्लांट से। अब एनिमल से क्या क्या मिलता है? मिल्क, काओ, गोट, ये जो सब बफेलो हैं ये क्या देते हैं? मिल्क। मीट मिलता है हमें, एग्स मिलते हैं, हनी मिलता है, हनी बी से हमें हनी मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क से ही मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि बटर, चीज, कर्ड। तो ये सब क्या है, हमें ये सारे आइटम्स हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से। तो मेन सोर्स क्या हुआ फूड का, इंग्रेडिएंट्स का? प्लांट्स और एनिमल्स। यहाँ से हमें मिलते हैं डिफरेंट तरह के फूड। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोज देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।